जी वेलकम बैक स्टूडेंट। अब हम अगले एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्लास है बैंक। ये मेथड है गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि अगर आप देखें तो बैंक के साथ यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा हुआ है, अगर यहाँ से हम कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट हटा दें तो उससे कोई इशू होगा? अगर इशू होगा तो क्या इशू होगा? मैं सवाल दोहरा देता हूँ। आपके सामने बैंक क्लास है, इसमें गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट मेथड है और ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब अगर क्लास के साथ जो एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड है उसको हटा दिया जाए, उससे कोई इशू होगा? अगर वो इशू होगा तो वो इशू क्यों होगा, आपने ये बताना है। जी अरसलान अजीज़, आपने बिल्कुल सही आंसर किया, वेरी गुड। तो इसमें इशू ये होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो है वो पाया जाता है। जी तैयब ने बिल्कुल सही आंसर किया है, कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज़ करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना लाजमी है। और इसके बाद मोहम्मद अरसनान अजीज़ जो है वो कहते हैं अगर हम क्लास का एब्स्ट्रैक्ट नहीं बताते तो एरर आएगा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अबू हुरैरा, आपके जो बात है ना वो उसमें थोड़ा इशू है। आप कहते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन एंड को हम यूज़ नहीं कर सकते, ये एब्स्ट्रैक्शन नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। एक अवल तो कीवर्ड, और अगर आप कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन एंड तो एंड के ऊपर एब्स्ट्रैक्शन नहीं हो रही, ये इस मेथड के ऊपर एब्स्ट्रैक्शन हो रही है। कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट जो है वो एंड से पहले लगा हुआ है क्योंकि सिंटैक्स का पार्ट है, लेकिन जो है एब्स्ट्रैक्ट जो है वो ये मेथड हो रहा है, और मेथड जब एब्स्ट्रैक्ट हो गया तो उस वक्त में क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना ज़रूरी है। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि मेथड के साथ जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड के साथ एब्स्ट्रैक्ट लगा हुआ है तो इसको जो है फिर एब्स्ट्रैक्ट को उठाना पड़ेगा और इसकी बॉडी बनानी पड़ेगी तो इसका जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा, तो आप वो कह सकते हैं। जी अरसलान नवाज, आपकी अटेंडेंस जो है वो मुझे रिसीव हो गई है, लेकिन वो आपकी थोड़ी लेट आई थी। जब मैं सारी अटेंडेंस जो मेरे पास पहले थी वो मैं कॉल कर चुका था, उसके बाद मैंने कहा था कि हम अगले सेशन में मिलते हैं, उसके बाद रिसीव हुई है, तो बहरहाल रिसीव हो गई, आप उससे रिलैक्स हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रखी है बैंक, और इस पर एक मेथड है एब्स्ट्रैक्ट गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब क्लास SBI को हम इनहेरिट करते हैं बैंक क्लास से, और इसमें हम इस मेथड को ओवरराइड करते हैं और रिटर्न करते हैं 7। फिर एक और हम क्लास बनाते हैं PNB, इसको भी इनहेरिट करते हैं बैंक क्लास से, और इसमें हम मेथड ओवरराइड करते हैं गेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसके अंदर बॉडी के अंदर हम रिटर्न कर देते हैं 8। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएँ कि बैंक क्लास की कितनी चाइल्ड क्लासेज हैं, बैंक क्लास की कितनी चाइल्ड क्लासेज हैं? जी अरसलान अजीज, आपने बिल्कुल सही कहा, इसके दो चाइल्ड क्लासेज हैं, एक SBI इसकी चाइल्ड क्लास है और PNB भी इसकी चाइल्ड क्लास है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, क्लास हमारे पास है टेस्ट बैंक, इसके अंदर मेन मेथड है, और इसके अंदर हमने बैंक क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना लिया, और इसको हमने बैंक SBI का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया, और फिर हमने SBI का जो इंटरेस्ट है वो डिस्प्ले करवा दिया। फिर हमने इसी ऑब्जेक्ट रेफरेंस के अंदर PNB क्लास का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड कर दिया, और फिर हमने PNB का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमने डिस्प्ले करवा दिया। व्हाई वी नीड एन एब्स्ट्रैक्ट,
क्लास, हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास की जरूरत पड़ती है. लेट से वी हैव अ क्लास एनिमल दैट हैज मेथड साउंड एंड द सब क्लासेस ऑफ इट लाइक डॉग लाइन हॉर्स कैट एक्सेट्रा. सिंस द एनिमल साउंड डिफर फ्रॉम वन एनिमल टू अनदर देर इज नो पॉइंट टू इम्प्लीमेंट दिस मेथड इन पेरेंट क्लास दैट इज एनिमल क्लास. This is because every child class must override this method to give its own implementation details like line class will say roar in this method and dog class will say woof. Thus making this method abstract would be the good choice as by making this method abstract we force all the subclasses to implement this method. Also we need to give any implementation to this method in parent class. Since the animal class has an abstract method, you must need to declare this class abstract. हम abstract class क्यों बनाते हैं? हम abstract class इसलिए बनाते हैं कि हमें अक्सर ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ता है जिसमें जो parent class होती है उसके अंदर हमें एक method चाहिए होता है जिसका मकसद होगा कि उसको child class override करे. और हम यहाँ पर ये भी चाह रहे होते हैं कि उस method की definition जो है वो हम पेरेंट क्लास के अंदर ना बताएं, उसकी जो डेफिनेशन है वो चाइल्ड क्लास के अंदर ही बताई जाए. उस मकसद के लिए हम एक्स्ट्रा क्लास का इस्तेमाल करते हैं. तो मजीद ये कि जब आप किसी भी क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लेते हैं तो उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना लाजमी हो जाता है. नाउ ईच एनिमल मस्ट हैव अ साउंड बाय मेकिंग दिस मेथड एब्स्ट्रैक्ट वी मेड इट कंपल्सरी टू द चाइल्ड क्लासेस टू गिव इम्प्लीमेंटेशन डिटेल टू दिस मेथड. दिस वे वी इंश्योर दैट एनिमल हैज अ साउंड. अब जब हम किसी क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देते हैं तो वो क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है. और वो अगली एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है जब किसी क्लास को इनहेरिट की जाती है तो चाइल्ड क्लास पे कंपलसरी हो जाता है कि वो पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड को एग्जीक्यूट करे. तो इस तरीके से हम यहाँ पर फोर्स कर सकते हैं चाइल्ड क्लास को कि वो एक मखसूस मेथड को लाजमी या सेट ऑफ मेथड को जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उनको लाजमी डिफाइन करें और उसको इम्प्लीमेंट करें. जो यहाँ पे जो रूल है उसके अंदर हम यही चीज़ जो है वो डिस्कस करें. इसके अंदर बार ये चीज़ जो है वो है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास के उस मेथड को यूज़ करने की कोशिश करेगा जो कि इनकम्प्लीट है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो सिर्फ डिक्लेरेशन होती है, उसकी डेफिनेशन नहीं होती तो इनकम्प्लीट होता है. तो उसकी वजह से आप इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते. दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि आप इसका जब ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते जो तो सिर्फ ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना सकते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस से आप पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो अचीव कर सकते हैं. आप किसी भी क्लास को जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसके तमाम के तमाम मेथड को ओवरराइड करना चाइल्ड क्लास में लाजमी है. और अगर आप चाइल्ड क्लास में उसको ओवरराइड नहीं करते तो फिर आपको क्लास को चाइल्ड क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा. सिंस एब्स्ट्रैक्ट क्लास अलाउज कंक्रीट मेथड एज वेल इट डज नॉट प्रोवाइड 100% एब्स्ट्रैक्शन. जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो 100% एब्स्ट्रैक्शन मुहैया नहीं करती. वो इसलिए नहीं करती क्योंकि एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो है सिर्फ रेलिवेंट डाटा शो करें और बाकी अननेसेसरी डिटेल को हाइड कर दें. तो उसके अंदर आप ऐसे मेथड भी बनाते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और ऐसे मेथड भी बनाते हैं जो नॉन एब्स्ट्रैक्ट होते हैं. अगर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते तो उसको आप कहते हैं कि वो 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके अंदर आप दोनों तरह के बना सकते हैं इसलिए आपको 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड नहीं करता. वाई कैंट वी क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. हम क्यों एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते? बिकॉज दीज क्लासेज आर इनकम्प्लीट. क्योंकि ये क्लासेज इनकम्प्लीट होती हैं एंड ऑब्जेक्ट इज कंक्रीट. जबकि ऑब्जेक्ट जो है वो कंक्रीट होता है. कंक्रीट का मतलब ये होता है वो मुकम्मल होता है. ऑब्जेक्ट जो है वो मुकम्मल होता है और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेज होती हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं. तो एक इनकम्प्लीट क्लास से एक कम्प्लीट या कंक्रीट ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं किया जा सकता, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किए जा सकते. ओके, अब आ जाते हैं हम अगले टॉपिक पे और वो हमारे पास है इंटरफेसेस. द वर्ड इज प्रॉबली फैमिलियर टू यू. फॉर एग्जांपल मोस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम एंड गेम्स हैव
interfaces in broad sense. An interface is a kind of remote control that connects two interacting parties. A simple example of an interface in everyday life is TV remote control. It connects two objects, person and TV, perform different tasks, turn up or turn down the volume, switch channels, and turn on or turn off the TV. इंटरफेसेस का जो लफ्ज़ है वो आपके लिए नया नहीं होगा, क्योंकि आप इंटरफेसेस का लफ्ज़ जो है मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे कि आपको अक्सर जो है कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स हैं और गेम्स हैं उसके अंदर आप इंटरफेस के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप इसको वसी पैमाने में देखें तो इंटरफेस जो है वो एक रिमोट कंट्रोल का बिहेवियर देता है कि रिमोट कंट्रोल जो है वो दो ऑब्जेक्ट्स को जो है वो जोड़ता है। जैसे कि अगर आप टीवी को एग्जाम्पल के तौर पर या मिसाल के तौर पर लें तो टीवी एक ऑब्जेक्ट है और जो पर्सन है जिसने टीवी को यूज़ करना है वो दूसरा जो है वो ऑब्जेक्ट है, और जो रिमोट कंट्रोल है वो इंटरफेस होता है जो कि इन दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान में इंटरेक्शन क्रिएट कर रहा होता है। तो उसमें जो रिमोट कंट्रोल है उसमें आपको डिफरेंट किस्म के टास्क परफॉर्म करने को मिल जाते हैं, जैसे कि आवाज़ को ऊंचा करना, आवाज़ को नीचा करना, चैनल को तब्दील करना या टीवी को ऑन या ऑफ करना। One party needs to access the interface to cause the second party to perform the action. For example, to make the TV change to the next channel. What's more, the user doesn't need to know how the TV is organized or how the channel changing process is implemented internally. The only thing that user has to is the interface. The main objective is to get the desired result. जब इंटरेक्शन करना होता है तो उस सूरत में एक पार्टी जो है वो उसको दूसरे पार्टी का इंटरफेस चाहिए होता है। जैसे कि टीवी को यूज़ करने के लिए पर्सन को इंटरफेस चाहिए होगा, रिमोट कंट्रोल चाहिए होगा, ताकि वो उसको जो है उसके चैनल वगैरह को चेंज कर सके। व्हाट डज दिस हैव टू डू विद प्रोग्रामिंग एंड जावा? क्रिएटिंग एन इंटरफेस इज़ वेरी सिमिलर टू क्रिएटिंग अ रेगुलर क्लास, बट इंस्टेड यूजिंग द वर्ड क्लास वी इंडिकेट वर्ड इंटरफेस। Let's look at the simpler Java interface, see how it works and why we would need it. तो language के अंदर programming और Java के अंदर जो है वो interface जो है उसको use करने के लिए आप एक ख़ास keyword use करते हैं, वो होता है interface। और जो ये interface होता है ये तकरीबन class की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें ये मुख्तलिफ होती हैं जिनको अब हम यहाँ पर जिक्र करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे इंटरफेस बनाने का सिंटैक्स है, आप विजिबिलिटी बताते हैं, पब्लिक कीवर्ड यूज़ करेंगे इंटरफेस, उसके बाद आपने इंटरफेस का नाम रखना है जो कि यहाँ पे है कैन फ्रेम। उसके बाद इंटरफेस की बॉडी स्टार्ट होती है, उसकी क्लोज होती है, और उसके अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं। और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड देखें तो उसकी यहाँ पे आपने विजिबिलिटी बताई, उसके बाद कीवर्ड या रिटर्न टाइप उसकी बताई वॉइड, और उसके बाद मेथड का नाम, और उसके बाद अगर उसके कोई आर्गुमेंट है तो आर्गुमेंट बताते हैं, उसके बाद सेमी कॉलन। अच्छा, जब आप इंटरफेस बनाते हैं तो इंटरफेस जो है बताते हैं खुद एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, यानी कि एब्स्ट्रैक्शन मुहैया करती है, और इंटरफेस जो है वो 100% आपको एब्स्ट्रैक्शन मुहैया करती है। तो इस सूरत में आपको एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, यानी इंटरफेस से पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट लगाने का कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो ये मेथड जो है इसकी कोई बॉडी नहीं है जैसे इसको डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, या इसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड की तरह जो है बनाया गया है। तो ये एक्चुअल में है भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसमें भी आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के अंदर या बुनियादी तौर पर जो इंटरफेस है उसके अंदर जो मेथड होते हैं बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। तो उसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा के एक एक्स्ट्रा वर्ड जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज करने का कोई मकसद नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड नहीं लगाया जाता। We have created CAN swim interface. It's a bit like more remote control, but with one button, the swim method. But how do we use this remote control? To do this, we need to implement our method that is our remote control button to use an interface. Some classes in our program must implement its method. Let's invent class whose object can swim. For example, a duck class fish. तो अब कैन स्विम जो है वो एक इंटरफेस है, और इंटरफेस को इस्तेमाल करने के लिए आपको इसको इंप्लीमेंट करना होता है क्लास के ऊपर, यानी कि क्लास जो है वो इस वाले इंटरफेस से जो है वो इनहेरिट हो रही होती है, इंप्लीमेंट कर रही होती है। तो यहाँ पे जो कैन स्विम का इंटरफेस है इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है,
और उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को जो उसकी चाइल्ड या उसकी इम्प्लीमेंटेड क्लास होगी उसके अंदर उसको ओवरराइड करना जो है वो लाजमी है। और जब हम एग्जांपल देख रहे हैं इसके अंदर जो कैंच नेम का इंटरफेस है इसको हम क्लास डक के ऊपर जो है वो अप्लाई करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो ये हमारे पास क्लास है, नाम है इसका डक, और इंटरफेस को यूज़ करने के लिए यहाँ पे कीवर्ड क्या यूज़ हो रहा है, इम्प्लीमेंट्स, कौन सा यूज़ हो रहा है कीवर्ड इम्प्लीमेंट्स। तो इम्प्लीमेंट्स के बाद आप जो है बताते हैं इंटरफेस का नेम। तो इस तरीके से जो क्लास है वो एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए तो ये तकरीबन वैसा ही स्टाइल है जैसे हम क्लास को क्लास से इनहेरिट करते हैं। तो उसमें क्लास का इनहेरिट करने के लिए आप जो है कीवर्ड यूज़ करते हैं एक्सेट, तो उसकी जगह पे यहाँ पे इंटरफेस से क्लास को जो है वो यूटिलाइज करने के लिए आप कीवर्ड यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंट्स। अब इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड होते हैं नॉर्मली वो सारे के सारे जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, तो उनको जो है वो ओवरराइड करना जो है वो लाजमी होता है। जैसे कि हम यहाँ पे इसको ओवरराइड कर रहे हैं और ये स्विम का मेथड जो है वो यहाँ पे ओवरराइड हो रहा है और इसमें हम जो है डिस्प्ले करवा रहे हैं डक कॉमा स्विम। इसके अलावा आगे देखें तो मेन मेथड है, मेन मेथड में हमने डक क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया और इस ऑब्जेक्ट से हम जो है वो स्विम का मेथड जो है वो कॉल कर रहे हैं। तो ये स्विम का मेथड जो है वो हमें फोर्सफुली बनाना पड़ा क्योंकि इंटरफेस के अंदर जो है वो स्विम का मेथड जो है एज अ एब्स्ट्रैक्ट जो है मौजूद था। व्हाट डू वी सी हियर, द डक क्लास इज एसोसिएटेड विद कैन स्विम इंटरफेस बाय इंप्लीमेंट कीवर्ड। यू मे रिकॉल दैट वी यूज अ सिमिलर मैकेनिज्म टू एसोसिएट टू क्लासेज थ्रू इनहेरिटेंस, बट इन दैट केस we use the word extends. For complete clarity, we can translate public class duck implements can swim literally as the public duck class implement the can swim interface. This means that a class associated with an interface must implement all of its method. Our duck class, just like can swim interface, has swim method and it contains some logic. This is mandatory requirement. If we just write public class duck implement can swim without creating swim method in duck class, the compiler will give us an error. अब जो statement है public class duck implement can swim, इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं the public duck class implements the can swim interface. इसका मतलब ये होगा कि डक क्लास जो है वो कैन स्विम के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है और इम्प्लीमेंट में इस क्लास के अंदर इस इंटरफेस के अंदर मौजूद जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे उनको ओवरराइड करना लाजमी होगा। अगर हम जो है वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट तो करें लेकिन उसमें जो मेथड है उसको ओवरराइड ना करें तो उस सूरत में कंपाइलर जो है वो एरर दे देगा। Why does this happen? If we explain the error using a TV example, it would be like handing someone a TV remote control with a change channel button that can't change channel. You could press the button as much as you like, but it won't work. The remote control doesn't change channel by itself. It only sends a signal to the TV, which implement the complex process of channel changing. And so it is with our duck. It must know how to swim so it can be called using can swim interface. If it doesn't know how, the can swim interface doesn't connect the two parties, the person and the program, the person won't be able to use swim method to make duck swim inside the program. Now you understand more clearly what interface और फॉर। तो अब यहाँ पे कंपाइलर क्यों एरर दे देगा, अगर इसको हम जनरल मिसाल से समझें तो मेथड को ओवरराइड ना करने का मतलब ये बनेगा कि आप एक रिमोट कंट्रोल किसी को देते हैं और उसके अंदर चैनल चेंज करने का बटन है, लेकिन आप उस बटन को जितना मर्जी दबा लें वो बटन जो है वो चैनल चेंज
नहीं करेगा, क्योंकि रिमोट का अपना काम नहीं है चैनल को चेंज करना। इसके बारे में जो मालूमात होगी वो टीवी को होगी कि टीवी जो है वो कैसे चेंज करेगा। रिमोट का काम तो सिर्फ है कि सिग्नल जो है वो भेज देना। तो इसी तरीके से जो हमारा स्विम का मेथड है, अगर डक क्लास के अंदर हम उसको ओवरराइट नहीं करते तो फिर जो इंटरफेस है वो जो है इसके प्रोग्राम को और पर्सन का जो यूज़र है उसके दरमियान में इंटरेक्शन क्रिएट नहीं कर रहा होगा। यानी कि सूरत में जो डक है उसमें उसको डक के बारे में डक को ये इल्म नहीं होगा कि उसने स्विम कैसे करना है, क्योंकि स्विम की डेफिनेशन या उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं की गई। अच्छा, आप इसको फर्दर और देखते हैं। एन इंटरफेस डिस्क्राइब द बिहेवियर दैट क्लास इंप्लीमेंटिंग द इंटरफेस मस्ट हैव। इंटरफेस जो है वो क्लास के बिहेवियर को बताता है कि जो कि उस क्लास के अंदर लाजमी करना पड़ेगा जिसका वो जिस पर इंटरफेस जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा होगा। तो बिहेवियर से मुराद यहाँ पे जो है वो कलेक्शन ऑफ मेथड है, यानी कि मेथड का मजमूआ है। एन इंटरफेस इज़ अ रेफरेंस टाइप इन जावा। इंटरफेस जो है वो रेफरेंस टाइप है जावा में। इट इज़ सिमिलर टू द क्लास, क्लास की तरह ही है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड के जो है वो मजमूए शामिल हैं। अ क्लास में इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस देयर बाय इनहेरिटिंग द एब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑफ द इंटरफेस। एक क्लास जो कि इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है वो उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो इंटरफेस के इनहेरिट होते हैं। अलॉन्ग विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड इंटरफेस में आल्सो कंटेन कॉन्स्टेंट डिफॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड एंड नेस्टेड टाइप। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अलावा इंटरफेस के अंदर कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, डिफॉल्ट मेथड हो सकते हैं, स्टैटिक मेथड हो सकते हैं और इसके अलावा नेस्टेड टाइप जो है वो हो सकती हैं। राइटिंग एन इंटरफेस इज सिमिलर टू राइटिंग अ क्लास, बट क्लास डिस्क्राइब द एट्रीब्यूट एंड द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एन इंटरफेस कंटेन बिहेवियर दैट अ क्लास इंप्लीमेंट्स। इंटरफेस जो है वो क्लास की तरह ही है, लेकिन जो क्लास है वो एक ऑब्जेक्ट के बिहेवियर और एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब करता है, जबकि इंटरफेस जो है वो एक क्लास में होने वाले बिहेवियर को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है। लाइक अ क्लास एन इंटरफेस हैव मेथड एंड फील्ड्स। क्लास की तरह इंटरफेस के अंदर भी मेथड हो सकते हैं और फील्ड हो सकते हैं। मेथड जो है वो हमेशा या तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे या फिर वो डिफॉल्ट मेथड जो है वो होंगे। इंटरफेसेस स्पेसिफाई व्हाट क्लास मस्ट डू, इट इज़ ब्लूप्रिंट ऑफ द क्लास। इंटरफेसेस ये बताते हैं कि क्लास में नहीं क्लास को क्या करना चाहिए और इसको जो है वो क्लास का ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। इफ़ अ क्लास इंप्लीमेंट एन इंटरफेस एंड डज नॉट प्रोवाइड मेथड बॉडी फॉर ऑल फंक्शन स्पेसिफाइड इन द इंटरफेस देन क्लास मस्ट डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट। अगर एक क्लास जो है वो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है और वो उसके तमाम मेथड को जो है वो ओवरराइड नहीं करती तो फिर उस क्लास को जो है वो एब्स्ट्रैक्ट जो है बनाना पड़ेगा। हाउएवर एन इंटरफेस इज डिफरेंट फ्रॉम अ क्लास इन सेवरल वेज। बहरहाल जो इंटरफेस है वो क्लास से कदरे मुख्तलिफ है। अब उनके क्या मुख्तलिफ मामलात हैं उनको देख लेते हैं। वी कैन नॉट इंस्टेंशिएट एन इंटरफेस, हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। एन इंटरफेस डज नॉट कंटेन एनी कंस्ट्रक्टर, इंटरफेस के कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता। ऑल ऑफ द मेथड इन एन इंटरफेस आर एब्स्ट्रैक्ट, तमाम जो मेथड हैं इंटरफेस में वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ऑल इंटरफेस कैन नॉट कंटेन इंस्टांस फील्ड, इंटरफेस जो है वो डाटा मेंबर या एट्रीब्यूट जो है वो होल्ड नहीं करता। द ओनली फील्ड दैट कैन अपीयर इन एन इंटरफेस मस्ट बी डिक्लेयर बोथ स्टैटिक एंड फाइनल। अलबत्ता इंटरफेस के अंदर कॉन्स्टेंट आइडेंटिफाइड हो सकते हैं। एंड इंटरफेस इज नॉट एक्सटेंडेड बाई क्लास, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाई क्लास। एक जो इंटरफेस है वो क्लास को एक्सटेंड नहीं करती, उसको
उसमें इनहेरिटेंस जो है वो नहीं होती, बल्कि क्लास जो है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा होता है, यानी कि उसके कंटेंट्स को जो है वो यूज़ कर रहा होता है। एंड इंटरफेस कैन एक्सटेंड मल्टीपल इंटरफेस, एक जो इंटरफेस है वो मल्टीपल इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकती है, उसको इनहेरिट कर सकती है। ओके, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे डिक्लेयरिंग इंटरफेसेस। तो यहाँ पे इंटरफेस को डिक्लेयर करना सीखने लगे हैं, तो उसका सिंटैक्स होता है कि आप कीवर्ड यूज़ करते हैं, आप बताते हैं विजिबिलिटी, उसके बाद कीवर्ड यूज़ करते हैं इंटरफेस, और उसके बाद आप इंटरफेस का नाम जो है रखते हैं। फिर इंटरफेस की स्टार्टिंग ब्रैकेट होती है, क्लोजिंग ब्रैकेट होती है, और इसके अंदर आप फाइनल स्टैटिक फील्ड्स जो है बता सकते हैं, और इसके अलावा आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो बता सकते हैं। इंटरफेस हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इंटरफेस के अंदर जो है ये प्रॉपर्टीज होती हैं। एंड इंटरफेस इज इम्प्लिसिटली एब्स्ट्रैक्ट, एक इंटरफेस जो है वो बुनियादी तौर पर एब्स्ट्रैक्ट होता है। यू डू नॉट नीड टू यूज एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड व्हाइल डिक्लेयरिंग एन इंटरफेस, आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की जरूरत नहीं पड़ती जब आप इंटरफेस को डिक्लेयर कर रहे होते हैं। ईच मेथड इन एन इंटरफेस इज आल्सो इम्प्लिसिटली एब्स्ट्रैक्ट, तमाम जो मेथड होते हैं इंटरफेस के अंदर वो अमूमी तौर पे एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। सो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज़ नॉट नीडेड, तो यहाँ पे भी आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन एन इंटरफेस आर इम्प्लिसिटली पब्लिक, और मेथड जो है इंटरफेस के अंदर वो पब्लिक होते हैं, और पब्लिक होने की वजह भी समझ आती है कि अगर आप जो है वो एक इंटरफेस बना रहे हैं और उसके अंदर सारे मेथड हैं वो एब्स्ट्रैक्ट हैं, तो अगर आप उसको प्राइवेट कर लेंगे और उसको आप जो है वो चाइल्ड क्लास को इम्प्लीमेंट करवाएंगे, तो चाइल्ड क्लास को तो प्राइवेट मेंबर एक्सेस ही नहीं होंगे। तो इस लिहाज से जो मेथड होते हैं इंटरफेस के, क्योंकि उनकी बॉडी जो है वो डिफाइन करनी पड़ती है, तो हमेशा जो है वो पब्लिक हुआ करते हैं। ओके, इसके बाद जो है ये एनिमल क्लास का इंटरफेस आप देख रहे हैं, इसके अंदर दो मेथड हैं ईट और ट्रेवर। इसमें देखें तो हमने इंटरफेस के साथ भी एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज़ नहीं किया और मेथड के साथ भी एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज़ नहीं किया, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट के अंदर ही या अमूमी तौर पे ही बुनियादी तौर पे ही ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो उनमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, अब जो है जहाँ पे हम अपने टॉपिक को क्लोज करते हैं, नेक्स्ट आपने मुझे याद करवाना है कि मैंने यहाँ पे व्हाई डू वी यूज इंटरफेस वाले टॉपिक से ऑनवर्ड जो है वो डिस्कस करना है। तो हमारा जो टॉपिक है वो इस वाली एग्जांपल तक जहाँ पे आके हम उसको क्लोज कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आप लोगों ने ये करना है कि अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर चैट में सेंड कर दें ताकि आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क की जा सके। तो जिन लोगों की अटेंडेंस मुझे रिसीव हो चुकी है, मैं उनके नाम कॉल कर लेता हूँ। अरीब, तैयब रहमान, जैनब, मुनीबा रहमान, दानियाल अतीक, मोहम्मद एहसन, अमीर हमज़ा, एहसन इरशाद, मोहम्मद समीर तालिब, मोहम्मद अरसलान अजीज़, रहीम अकबर, मोहम्मद यासिर ख़ान, मलाइका, इरफान साबिर, तहरीम, अली शेर, लाइबा जफ़र, रुबाब फातमा, मुहीद लियाकत, सुबहान अमरेज, अबू हुरैरा, ताहिर कदीर, दानियाल अतीक, मोहम्मद अब्दुल्ला खान, मोहम्मद उस्मान, बिलाल सॉरी मोहम्मद उसामा, सैयद बिलाल हैदर। जी, इन बच्चों की अटेंडेंस जो है मुझे रिसीव हो चुकी है। अगर कोई बच्चा जो है उसकी रह गई है, जिसका नाम नहीं कॉल हुआ, या किसी को शक है कि उसकी अटेंडेंस हुई है या नहीं हुई, तो वो अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लेके चैट में सेंड कर दें। जी, मुझे मोहम्मद समीर तालिब की अटेंडेंस जो है वो रिसीव हो गई है। ओके स्टूडेंट, हम यहाँ पे अपने सेशन को क्लोज करते हैं। सेशन जो है वो ऑनलाइन रहेगा, तो आप लोग जो है वो अपनी अटेंडेंस जो है वो सबमिट कर लें, और जिन लोगों की अटेंडेंस हो चुकी है वो अगर लीव करना चाहते हैं तो वो लीव भी कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों का जो है आज जो क्विज था वो मैंने जो है वो
उसको रीस्केड्यूल कर दिया है, तो वो कोई आपका कल होगा दिन 11 बजे, क्योंकि किसी सेशन की जो है वो आज क्लास है, कोई रीस्केड्यूल क्लास है 4:30 से ऑनवर्ड, तो इसलिए वो क्लास वो क्विज नहीं कर सकेंगे। तो फिर आप सब लोगों का मैंने क्विज जो है वो रीस्केड्यूल कर दिया है, क्विज जो है वो आपका सैटरडे 11 बजे जो है वो होगा। तो वो आप जो है क्विज की डिटेल्स में आप जो है देख भी सकते हैं कि आपको टाइम वहाँ पे मेंशन हो रहा होगा। ओके स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़।